हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल था प्रदीप साहू और आप आज पढ़ेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। इस ब्रिज में किरचॉफ लॉ फॉलो होता है, किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग इसमें लूप होते हैं और लूप के अकॉर्डिंग हम इसमें सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले इसका नाम ऐसा क्यों है? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर इसका ऐसा नाम क्यों होता है और ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों, इस तरह से। तो सिंपल सा है, इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है और इसके नाम उनकी रिस्पेक्ट पे ये रखा गया है। ब्रिज मैं भी आगे बताऊंगा क्यों ऐसा ब्रिज क्यों बोला गया है इसको। ब्रिज वो पुल होता है जहाँ पर दो लोग रहते हैं। आप लोगों ने हिंदी पिक्चर फिल्म में देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ आती हैं जिसमें फिल्म के एक किनारे पर कोई खड़ा होता है, कोई दूसरे किनारे पर खड़ा होता है। इन उनके लिए सोचो, हमारे फिजिसिस्ट जो थे उनके लिए इतना काम करके गए हैं कि उन्हें कैसे मिलाया जाए, इसके लिए ब्रिज बनाया गया, सोचिए। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस। अब हम आते हैं सीधे अपने टॉपिक पर। ये जो ज्योमेट्री मैंने बना के रखी है, ये क्या है? एक सिंपल सा फैक्ट है, इसमें ब्रिज है और ये ब्रिज दो टाइप के होते हैं। अनबैलेंस्ड टाइप व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें करंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, एक होता है बैलेंस टाइप। तो दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस टाइप एक अनबैलेंस टाइप। सबसे पहले हम अनबैलेंस की बात करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सर्किट दिया हुआ है। इस सर्किट में एक यहाँ पर हमने पोटेंशियल लगा दिया, इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ से करंट फ्लो होगी, ये करंट ऐसे फ्लो होगी। इस करंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए, इसके दो पैथ हैं, एक में करंट I1 जाएगी, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, ये इस पर करंट जा रही है। तो इस पर करंट जाते ही इस पर एक पोटेंशियल डेवलप होगा, वो पोटेंशियल हो जाएगा V1 इज इक्वल I1 R1, ठीक है। दूसरा पोटेंशियल ड्रॉ होगा इस पर, यहाँ पर IG करंट जा रही है तो इस पर हम एक पोटेंशियल ले लेते हैं VG। फाइनली एक्चुअल में VG तो है वो ज़ीरो हो जाएगा, VG इज इक्वल IG मल्टीप्लाइड G। G एक रेजिस्टेंस होता है, वो आगे के चैप्टर्स में आप पढ़ोगे। फिर यहाँ पर आ जाइए, इस पर हम वोल्टेज V2 ले लेते हैं, V2 इज इक्वल I2 R2, ठीक है, I2 R2 इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक वोल्टेज आएगा, हम इसका नाम रख लेते हैं V4। V4 इज इक्वल I1 दिस करंट एंड इट्स रेजिस्टेंस R4। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये हो जाएगा V3 इज इक्वल I2 R3, दैट्स इट। अब हमें लूप कंसिडर करना है, कंसिडर करने के बाद बैलेंस और अनबैलेंस की बात करनी है। तो सबसे पहले अनबैलेंस टाइप व्हीट स्टोन ब्रिज, इसमें क्या है, हम क्या देखते हैं कि अगर यहाँ से करंट जा रही है ये, तो हमें पता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का फ्लो होता है। सो सिंपल, अगर ऐसा फ्लो होता है इस सिचुएशन पर, यहाँ पर पहुँची करंट, अब ये करंट इधर आएगी इधर भी जाएगी, दोनों की वैल्यू है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने ये एक वायर लगाया है, ये एक इसका हमने पॉइंट ले रखा है पहले से ही। ये जो पॉइंट है ये एक्चुअल में क्या है, एक निप टाइप की है। इस निप टाइप के लिए जो होता है, ओके, तो यहाँ पर जो है एक जॉकी टाइप की वायर लगी रहती है, जिस वायर को हम कहीं पर भी टच करके ये चेक कर लेते हैं कि कहाँ पर हायर पोटेंशियल है कहाँ पर लोअर पोटेंशियल है। लोअर और हायर पोटेंशियल का मतलब ये होता है, जिधर का पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसके जस्ट अपोजिट में करंट का फ्लो होगा, सिंपल सा है। तो अगर यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो करंट इधर फ्लो होगी, अगर इस टाइप में पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो करंट ऐसे फ्लो होगी, सो सिंपल। इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस जॉकी को ऐसे टच करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस तरह से टच कर करके हम यहाँ पर IG की वैल्यू को ज़ीरो कर देते हैं। इस सिचुएशन पर जब हम IG की वैल्यू को ज़ीरो करते हैं, यहाँ पर जब हमने IG को ज़ीरो कर दिया, तो जिस टाइप का जो सीक्वेंस बनता है, जो स्ट्रक्चर बनता है, जो ये सर्किट बनता है, उस सर्किट को हम कहते हैं बैलेंस टाइप व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इस ब्रिज में IG की वैल्यू ऑलवेज ज़ीरो रहेगी, IG इज इक्वल ज़ीरो। तो अनबैलेंस टाइप में क्या होता है, इसमें करंट फ्लो होती है और वो करंट के पास में कुछ वैल्यू होती है, और ये तभी फ्लो होती है जब उसके पास में हायर पोटेंशियल हो यहाँ पर लोअर पोटेंशियल। जैसे हमने मान लिया यहाँ पर 10 वोल्ट प्लस का पोटेंशियल है, यहाँ पर प्लस का 10 वोल्ट पोटेंशियल है, तो दोनों के बीच में करंट का फ्लो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम है और सेम पोटेंशियल पर फ्लो होता ही नहीं है। ओके,
तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किरचॉफ लॉ के सेकंड रूल को अपनाते हैं जो वोल्टेज लॉ पर है, और वोल्टेज रूल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन का फॉर्म होता है और उसको ही फॉलो करता है। जो फर्स्ट रूल है वो चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो करता है। ओके, इस सिचुएशन में आ जाइए, यहाँ पर हम दो लूप बनाएंगे, पहले ए बी डी ए, इसका नाम रख लीजिए लूप वन, लूप ए बी डी ए डी ए, ये एक लूप हो गया हमारा। हम बैलेंस टाइप पढ़ रहे हैं, अनबैलेंस टाइप में आईजी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल होता है, यहाँ पर कुछ और पोटेंशियल होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ पर फिक्स ही होगा तो ये बैलेंस टाइप होगा, और ये अनबैलेंस भी हो सकता है अगर यहाँ पर जुड़ा हुआ है उस सिचुएशन पर जब यहाँ पर हायर या यहाँ पर हायर पोटेंशियल है और यहाँ पर लोअर यहाँ पर हायर पोटेंशियल है, इस सिचुएशन में ये अनबैलेंस्ड होता है। ओके, फिर अब आ जाते हैं ए बी डी ए, एक लूप है, इस लूप में करंट का फ्लो हमने ऐसे माना है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल हम मान लेंगे V1 I1 R1 है, यहाँ पर V2 I2 R2 है। अब डेल्टा V इज इक्वल सिग्मा V इज इक्वल जीरो, हमने ये किरचॉफ लॉ जो है पढ़ रखा है पहले से ही। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में किसी एक लूप के लिए नेट वोल्टेज ज़ीरो होता है, नेट वोल्टेज ज़ीरो होता है। ये तो हमने इसमें देखा, इसमें तीन वोल्टेज थे बट यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल है ही नहीं, इस सिचुएशन को हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर एक पोटेंशियल है, इस सर्किट में करंट के साथ चलेंगे, मींस अलॉन्ग टू करंट, अक्रॉस द करंट, अगर हम अलॉन्ग द करंट चलेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल, और ऐसे आकर के ऐसे जाएंगे अपोजिट टू द करंट, मींस अक्रॉस द करंट पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर V1 प्लस V2 इज इक्वल जीरो, I1 R1 यहाँ से ले आए इधर आ गए, करंट का एक्शन अपोजिट है इसलिए I2 R2 प्लस IG इंटू G, IG की वैल्यू कितनी है जीरो, ये हो गया पूरा जीरो। इस सिचुएशन पर I1 R1 निगेटिव, I2 R2 इज इक्वल जीरो, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ गया इतना, ये ठीक है। अब लूप नंबर टू में आ जाइए, लूप नंबर टू में ये है BCDB, लूप नंबर टू है BCDB, इसमें हमने क्लॉकवाइज चला है, तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल V4 है, पोटेंशियल V4 पॉजिटिव हमने ले लिया क्योंकि ये अलॉन्ग द करेंट है ऐसे, अब अपोजिट टू द करेंट पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा, V3 की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, V3 निगेटिव हो गया, ये देखिए ये पॉजिटिव है और IG की वैल्यू जीरो है तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। I2 R3 यहाँ से जा रही थी इस तरफ ऊपर की तरफ, I2 R3, I1 R4 इज इक्वल जीरो, यहाँ से ये रूल आ गया। अब हम चेक करते हैं कि दोनों वैल्यू जो दी हुई हैं I1 R1, हम यहाँ से I1 I2 का रेशियो निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं उन वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, जैसे I1 R1, तो ये R1 हो जाएगा I2 R2, therefore I1 by I2 इज इक्वल R2 by R1, ये क्वेश्चन नंबर ए मान लीजिए। ऐसे ही करके ये क्वेश्चन दी हुई है I1 R4 इज इक्वल I2 R3, इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा I1 by I2 इज इक्वल R3 by R4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी मान लीजिए इसको, अब आप क्या करेंगे, ये देखिए बैलेंस है तो ये हो जाएगा R2 by R1 इज इक्वल R3 by R4, ये हो गया हमारा। अब चाहे तो आप इस सीक्वेंस को देख लीजिए, R2 by R1 इज इक्वल R4 by R3, इस सीक्वेंस थोड़ा सही कर लेते हैं अपने हिसाब से, लूप बाय लूप के अकॉर्डिंग R1 R1 ये दिया हुआ है तो ये हो गया R1 और R4, R1 इधर लेके आइए, R4 by R4 R1 by R4 इज इक्वल
R2 by R3, R1 ये हो गया, R4 ये हो गया, ये इन दोनों का रेशियो R2 R3 इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट बैलेंस होना चाहिए। यही हमारा V-Distin ब्रिज है, बैलेंस टाइप का V-Distin ब्रिज है। इसके लिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन इस टाइप का होगा, क्वेश्चन जो है इस टाइप का होगा कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएं। सभी लोग यही करते हैं, सारे एग्ज़ाम सेट करने वाले यही करते हैं, ये तो आपको पता ही है। हमने यहाँ पर एक वोल्टेज लगाया और इसको भी साफ कर दिया, अब ये लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम एंड 1 ओम, तो इसमें इस आर में कितनी करंट फ्लो होगी, बैलेंस टाइप रजिस्टर के लिए, इस V-Distin ब्रिज के लिए इसमें कितनी करंट फ्लो होगी, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, कुछ तो कुछ होगा ही होगा, पर करंट कितनी है इसमें, ठीक है, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है करंट कितनी है। फिर इसका वोल्टेज पूछ लेंगे, अगर करंट पूछेंगे तो वोल्टेज इसका 0 है, करंट इतनी है। अगर ये बैलेंस टाइप का है तो आप इसमें R लगा दीजिए, हमने इसमें R इज इक्वल 8 ओम का लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब हमने यहाँ पर बोला ये 4 ओम है और यहाँ पर बोल दिया यहाँ पर x ओम है, इस x ओम की वो बताइए वैल्यू, अगर ये 4 नहीं 8 ले लीजिए इसको, 8 और ये ले लीजिए 16, कितना आ जाएगा x, कितना रेशियो है यहाँ पर 1/2 का, तो यहाँ पर भी रेशियो कितना होगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जस्ट डबल मीन्स 8 ओम, ठीक है। सो सिंपल, जितना रेशियो यहाँ पर होगा उतना ही रेशियो यहाँ होना चाहिए, ये इस रूल का सब इस ये सॉरी ये इस सिस्टम का, इस सर्किट का सबसे बड़ा रूल है, ठीक है। चाहे तो आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर आपने ले लिया 8, आप इसको ज़्यादा चेक करिए, बैलेंस चेक करिए, 4/8 इज इक्वल 8/16 बैलेंस है। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में क्या हो गया, यहाँ पर उसने बोल दिया एक्स ओम लगा हुआ है या ए ओम लगा हुआ है या आर ओम लगा हुआ है, उस आर की वैल्यू बताइए कितना आ जाएगा, बताइए 4। सो सिंपल, इस टाइप के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो टाइप है वो भी चेंज हो जाता है। देखिए वो कैसा हो जाता है, आप ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूले में बहुत सारे टाइप बन जाते हैं, R1/R2 इज इक्वल R4/R3, इस सीक्वेंस को उल्टा कर दीजिए, R2/R1 करके कुछ भी कर सकते हैं आप, तो ये लगा दिया गया, ये अब यहाँ पर जो सर्किट में आ रहा है यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देंगे, यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे और ऐसे फिक्स कर देंगे, ठीक है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, ठीक है, और कहेंगे इसके और इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस बताइए कितना है ए बी के बीच में। तो क्या करते हैं, पहले ये सीरीज़ बाकी तीनों पैरेलल, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें जो करंट है फ्लो ही नहीं होगी, तो ये रेजिस्टेंस निष्क्रिय हो जाएगा, निष्क्रिय पता है आपको, एक्सपायर हो जाएगा। इस टाइप के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में और हम सभी लोग उसे छोड़ देते हैं, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और दिया हुआ है जिसमें ब्रिज का तो यूज़ नहीं है बट कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी मैंने देखा है इसको, बहुत ही सिंपल है ये, ये मैंने एक वीडियो में बताया था अपने,
इसमें क्या है, आप ए बी के बीच में रेजिस्टेंस आप मुझे पता करके बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको इतना बताया है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है और आप होमवर्क करके लाएंगे, मुझे पता है। अगर आपको आंसर आ जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू।